हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एस एस सी क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम लोग वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का सेट टेन को पढ़ने वाले हैं ओके अभी तक हम लोगों का सेट वन से लेकर नाइन तक कंप्लीट हो चुका है और सेट वन से लेकर नाइन तक में हमने फाइव फिफ्टी क्वेश्चन तक कम्प्लीट कर लिया है और सेट टेन में फाइव फिफ्टी से लेकर सिक्स हंड्रेड तक क्वेश्चन होंगे ओके तो बने रहिए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ तीन सेकंड का टाइम दिया जाएगा और उसके अंदर में आपको उसका आंसर देना होगा तो क्या आप लोग रेडी हैं ऑब्वियसली रेडी तो होंगे ही आप लोग तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यही है कि शॉर्ट स्पीच और पोएम गिवेन एट द एंड ऑफ अ प्ले और अ बुक कोई भी शॉर्ट स्पीच होता है किसी भी पोएम का या प्ले का जो एंड होता है अंतिम में देते हैं हम लोग उसको हम क्या कहते हैं और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ई पी लोग इसका राइट right आंसर हो जाएगा ठीक है ई पी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ पीपल विद देयर इन्वायरमेंट ठीक है एक्चुअली क्या है क्वेश्चन कि स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट ये क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन पूछा गया सीजियल दो हज़ार में तो स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ रिलेट या मतलब इन्वायरमेंट से या आप समझिए एक तरह से प्लांट से इससे क्या हो जाता है क्या हम उसको कहते हैं स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इकोलॉजी इकोलॉजी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है ठीक है साइकोलॉजी का क्या हो जाता है नाम से स्पष्ट है साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड हाउ इट इंफ्लुएंस बिहेवियर साइकोलॉजी हो जाता है फिलोलॉजी को क्या कहते हैं हम लोग द स्टडी ऑफ़ द नेचर एंड मीनिंग ऑफ यूनिवर्स एंड ह्यूमन लाइफ उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं और जियोग्राफी आपको पता ही है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ सर्फेस फिजिकल फीचर डिवीजन ये सब हो जाता है जियोग्राफी में नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लिस्ट ऑफ एक्सप्लानीशंस ऑफ रेयर टेक्निकल एंड ऑब्सुलट वर्ड्स इसको हम क्या कहते हैं ऐसे वर्ड जो कि रेयर होते हैं जो कि प्रचलन से बाहर हो जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं लेक्सिकॉन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री लेक्सिकॉन इसका राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडरग्राउंड प्लेस फॉर स्टोरिंग वाइन और अदर प्रोविजन्स क्या हो जाएगा ठीक है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेलार ठीक है सेलार इसका राइट right आंसर हो जाएगा सेलार का मतलब क्या होता है कि ऐसा अंडरग्राउंड रूम जो कि ऑफ्टन प्राय हम यूज़ करते हैं कोई भी वाइन को या किसी भी चीज़ को ठीक है अंडरग्राउंड चीज में हम उसको स्टोर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं सेलार नेक्स्ट है फ्री समबडी फ्रॉम ब्लेम और गिल्ट ठीक है कोई अगर दोस्त उसके ऊपर हम एक आरोप लगाए हैं और उससे उसको हम मुक्त कर दिए उसको हम क्या कहते हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्जो इसका राइट right आंसर हो जाएगा एक्जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है वन हु प्लेज फॉर प्लेजर रैदर दैन एज अ प्रोफेशन ठीक है जो अपने संतुष्टि के लिए आत्म खुशी के लिए जो है कोई काम करता है ठीक है उसको हम क्या कहते हैं वो उसको प्रोफेशनली नहीं लेता है वो अपने मर्जी अपने खुशी के लिए करता है अपने इंजॉयमेंट के लिए करता है ठीक है और इसका करेक्ट आंसर right हो जाएगा एम ठीक है एम इसका राइट आंसर हो जाएगा वन डज वन हु डज समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार कोई काम अगर कोई आदमी कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं इसका करेक्ट आंसर पायोनीर हो जाएगा ठीक है पायोनीर अ पर्सन हु इज़ द फर्स्ट टू टू स्टडी एंड डेवलप अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ नॉलेज उसको हम पायोनीर कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अ गवर्नमेंट रन बाई ऑफिशियल्स, ठीक है जितने भी ऑफिशियल्स लोग होते हैं ऑफिशियल लोग होते हैं उस उसके द्वारा चलाया गया गवर्नमेंट उसको हम क्या कहते हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी इसका राइट right आंसर हो जाएगा ठीक है डेमोक्रेसी मतलब पता ही है कि जिसको हम वोट के द्वारा इलेक्टेड इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को ठीक है अनारची हो जाता है आपका जहां पर कोई गवर्नमेंट नहीं होता है और ओलीगारची का मतलब क्या हो जाता है अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होल्ड ऑल द पावर जहाँ पर कुछ लोग जो है उस के पास पावर होता है और वो गवर्नमेंट चलाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है डैट विच कैन बी ड्रंक ठीक है एक ऐसा चीज जिसको हम पी सकते हैं पीने योग को हम क्या बोलते हैं ठीक है पोर्टेबल इसका राइट right आंसर हो जाएगा सेफ टू ड्रिंक पोर्टेबल वन हु इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर डल जो कि ना इंटेलिजेंट है नहीं वो मतलब डल है बेवकूफ है ठीक है बीच का हो जाता है मेडिकोर इसका राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सन लीडिंग अ लाइफ ऑफ स्ट्रिक्ट सेल्फ डिसिप्लिन ठीक है पर्सन लीडिंग अ लाइफ ऑफ स्ट्रिक्ट सेल्फ डिसिप्लिन इसको हम क्या कहते हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसेटिक जो है इसका राइट right आंसर हो जाएगा एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत सिंपल तरीके से लेकिन बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन फॉर्म में उसका लाइफ होता है ओके जैसे कि मॉन्क्स हो गए हर्मिट्स हो गए सेंट्स हो गए ये सब होते हैं अ पर्सन हु लव्स एवरीबडी अ पर्सन हु लव्स एवरीबडी एल्टूरिस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाता है परोपकारी ठीक right है एल्टूरिस्ट इसका राइट आंसर है स्मॉल विलेज और अ ग्रुप ऑफ हाउसेस स्मॉल विलेज और अ ग्रुप ऑफ हाउसेज का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर है ठीक है अ स्मॉल विलेज और अ ग्रुप ऑफ हाउसेज हेमलेट इसका करेक्ट आंसर है अ पर्सन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी फालतू का खर्च करता रहता है वो इंसान उसको हम क्या कहते हैं एक्स्ट्रा वेगेंट इसका राइट right आंसर हो जाएगा वेरी गुड एक्स्ट्रा वेगेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है इडिबल मीन्स डैट विच इडिबल का मतलब क्या होता है मुझे लगता है इसी क्वेश्चन का आप इंतज़ार भी कर रहे थे हालांकि आप लोगों का परफॉर्मेंस मैं देखता रहता हूँ कि वन वर्ड सब्सटिट्यूशन में या ए डी एम शो बहुत अच्छा आप मतलब कि आंसर देते हैं बहुत अच्छा लगता है देखकर कि मतलब प्रीवियस ईयर को आपने इतने अच्छे तरीके से पढ़ा भी है और यहाँ पर टेस्ट भी देते हैं रिविज़न भी करते हैं मैं तो आप लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब कि ऑप्टमिस्ट हो चुका हूँ कि बस इस बार बहुत कुछ होने वाला है आपके साथ भी और आपके थ्रू मेरा भी होगा एडेबल का मतलब क्या हो जाता है एडेबल का नेक्स्ट क्वेश्चन हो, हो, hmm? हो जाएगा आपके सामने अ रिटर्न डिक्लेरेशन ऑफ गवर्नमेंट और अ पॉलिटिकल पार्टी जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी जैसे कि चुनाव प्रचार करता है तो वो अपना एक क्या बनाकर एक लिखता है कि हाँ मुझे ये 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 आप लोगों के लिए करना है मैनिफेस्टो करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है का मतलब क्या हो जाता है? मतलब जो कि बहुत ज्यादा छोटे छोटे चीजों पे बहुत ज्यादा अटेंशन देता है उसको हम meticulous कहते हैं ठीक है meticulous. Pay attention. Pay attention को क्या कहते हैं हम हीड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीड हीड का मतलब एक तरह से नोटिस होता है ऐसा मतलब चीज़ होता है कि बहुत ज़्यादा उस चीज़ पर अटेंशन वो देता है समझ रहे हैं नेक्स्ट आपका हो जाएगा ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद चिल्ड्रेन एंड देयर इलनेस ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद चिल्ड्रेन एंड देयर इलनेस को क्या कहते हैं हम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेडियाट्रिक्स थ्री इसका करेक्ट हो जाएगा चिल्ड्रेन से रिलेटेड है उसके बीमारियों से रिलेटेड है पेडियाट्रिक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है कार्डियोलॉजी किसको कहते हैं जो हार्ट डिजीज से रिलेटेड होता है ठीक है ऑस्थियोपैथिक इसको कहते हैं ऑस्थियोपैथिक कहते हैं द ट्रीटमेंट ऑफ सम डिजीज एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स बाई प्रेशरिंग ठीक है एंड मूविंग बोन्स एंड मसल्स ठीक है muscles, उसको हम एक्चुअली ये मसल्स और बोन्स से रिलेटेड होता है ठीक है और उसके बाद यहां पर मॉर्फोलॉजी किसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी कहते हैं द फॉर्म्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स स्टडीड एज ए साइंस बायोलॉजी से रिलेटेड है ठीक है ये चीज आपका मॉर्फोलॉजी हो जाता है कंसर्न बाई वेल्थी सॉरी गवर्नमेंट बाई वेल्थी ठीक है धनी लोगों का जो गवर्नमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लूटोक्रेसी टू इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ठीक है प्लूटोक्रेसी इसका राइट right आंसर हो जाएगा पीपुल एट अ रिलीजियस गैदरिंग जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं वर्शिप के लिए ठीक है इसको हम क्या कहते हैं कॉन्ग्रीग्रेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा कॉन्ग्रीग्रेशन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं अ पर्सन हु कलेक्ट एंड और स्टडीज ऑफ स्टाम्प स्टाम्प के स्टडीज को हम क्या कहते हैं जो लोग स्टाम्प को कलेक्ट भी करते हैं उसका स्टडीज भी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं फ्लाटलिस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा फ्लाटलिस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अ हाउस वेयर चिल्ड्रेन विथ नो पेरेंट्स आर टेकन केयर ऑफ ठीक है जहां पर पेरेंट्स नहीं होते हैं एक तरह से आप समझिए कि अनाथालय की बात हो रही है ऑर्फेनेज जहाँ पर कोई जो अपने नहीं पेरेंट्स लोग अपने बच्चे को छोड़ के चले जाते हैं या जिसके कोई पेरेंट्स नहीं होते हैं तो उस जगह पे वो रहता है तो ऑर्फेनेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गिल्टी ऑफ क्राइम ठीक है दोषी किसी क्राइम का दोषी उसको हम क्या कहते हैं गिल्टी ऑफ क्राइम को क्या हो गया इसका आंसर कल्पेबल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कल्पेबल इसका राइट आंसर हो जाएगा इनकेपेबल ऑफ बींग टायर्ड ठीक है इनकेपेबल ऑफ बींग टायर्ड का हम क्या कहते हैं इसको जो जल्दी थकता नहीं हो जो जल्दी गिव अप नहीं करता हो इसको हम क्या कहते हैं इन डी फैट इसका राइट right आंसर हो जाएगा इन डिफेट इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन वमेनबेंड इज डाइड ठीक है एक स्त्री जिसका पति मर गया हो ठीक है उसको हम क्या कहते हैं अ वमेन हुज हसबेंड इज डायर्ड विडो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ठीक है विडो इसका राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु इट्स नो ह्यूमन नो एनिमल फ्लेश जो एनिमल मांस को नहीं खाता है जो मांस नहीं खाता है एक्चुअली वो क्या हो जाएगा वन हु इट्स नो एनिमल फ्लेश वेजिटेरियन इसका राइट right आंसर हो जाएगा और कैनिबल किसको कहते हैं कैनिबल कहते हैं वन हु इट ह्यूमन फ्लेश जो मानव के मांस को खाता है नेक्स्ट है मैन हु हैज मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम एक ऐसा आदमी जिसकी एक से ज़्यादा पत्नी हो एक ही समय पे उसको हम क्या कहते हैं ये क्वेश्चन बहुत बार भी हो चुका है पॉलीगैमिस्ट इसका राइट right आंसर हो जाएगा क्या होगा पॉलीगैमिस्ट वन हु डील्स इन फ्लावर वन हु डील्स इन फ्लावर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्लावर का मतलब तो पता ही होगा ना फूल इसको कहते हैं अ फ्लोरिस्ट अ फ्लोरिस्ट इसका राइट right आंसर हो जाएगा अ फ्लोरिस्ट मतलब होता है पर्सन हु डील्स इन फ्लावर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है हाउस और शेल्टर ऑफ अउस और शेल्टर ऑफ अ गिप्सी को हम क्या कहते हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन कैरेबन जो है इसका राइट right आंसर हो जाएगा सी कैरेबन नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन हू लिवस वन कंट्री टू सेटल इन अनदर अर्सन हू लीव्स वन कंट्री टू सेटल इन अनदर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जो अपना देश छोड़कर दूसरे कंट्री में जाता है सेटल होने के लिए इमी इसका राइट आंसर हो जाएगा इमी जब अपना देश छोड़कर आप कहीं और जगह जाते हैं सेटल होने के लिए उसको हम क्या कहते हैं इमी ग्रांट कहते हैं अब पार्टनर इन अ क्राइम अब पार्टनर इन अ क्राइम को क्या कहते हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक कंप्लीस ठीक है एक कंप्लीस इसका राइट आंसर हो जाता है रिलेटिंग टू कंट्रीज ऑफ द वेस्ट ऐसा कंट्रीज जो कि वेस्ट से हो वेस्टर्न पार्ट हो जैसे कि यूरोप हो गया अमेरिका हो गया ऑशिडेंटल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा ऑशिडेंटल नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन हु ऑलवेज रन आफ्टर वोमेन जो औरत के पीछे भागता हो ठीक है ना जिसको नहीं बोलते हैं कि एक तरह से आप समझ लीजिए आशिक भी बोल सकते हैं आप ठीक है तो वही चीज़ है कि पीछे मतलब घूमना फिरना होता रहता है उसको क्या कहते हैं फ्लैंडर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है जिसका बहुत लोगों के साथ चक्कर चलता रहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन एम्प्लॉय टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा टू ड्राइव अ प्राइवेट और अ हायर्ड कार जो कार चलाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग चौफरर जो इसका है इसका राइट right आंसर हो जाएगा ठीक है वन इसका करेक्ट आंसर है सेंटिमेंटल बिलोंगिंग फॉर अ अ बिलोंगिंग फॉर पीरियड इन द पास्ट कोई भी चीज पास्ट में कोई घटना होता है उसको देखकर थोड़ा सा आप मतलब सैड हो जाते हैं तो नॉस्टेलजिया जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा नॉस्टेल मेडिसिन दैट सॉफ्ट ठीक है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा लैक्सेटिव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाँ लैक्सेटिव ठीक है लैक्सेटिव का मतलब क्या होता है अ मेडिसिन या फूड ड्रिंक दैट मेक सम इम्पटी दे आर इजली बिलीव इन मेरी गॉड जिसको बहुत सारे भगवानों पर विश्वास होता है उसको हम क्या कहते हैं पैंथेजम जो है इसका राइट right आंसर हो जाएगा पैंथेज्म जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है मोनोथिज्मतल क्या हो जाएगा मोनो का मतलब होता है कि ओनली uh, होता है तो बिलीव इन ओनली वन गॉड को हम मोनोथेज्म कहते हैं हम लोग ठीक है और पॉलीथिज्म का मतलब होता है कि बिलीव दैट देयर इज मोर देन वन गॉड उसको हम पॉलीथिज्म कहते हैं और एथिज्म का मतलब होता है नास्तिक जिसको विश्वास ही नहीं है कि भगवान कहीं एग्जिस्ट भी करते हैं नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अ क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स ऑन अ ब्रांच अ क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स ऑन अ ब्रांच को हम क्या कहते हैं इनफ्लोरेशन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है इन फ्लोरेशन नेक्स्ट है अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ओनली सेल्फिशनेस मोटिव ह्यूमन एक्शंस ठीक है एक तरह से आ, मतलब कि जो अपने आप से ही मतलब रखते हैं अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ओनली सेल्फिशनेस मोटिवेट्स ह्यूमन एक्शन साइनिक इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ठीक है साइनिक हाईली स्किल्ड म्यूजिशियन को हम क्या कहते हैं ए हाईली स्किल्ड इसका हो जाएगा वर्ड टूस्को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा वर्ड टूस्को अ मेथड ऑफ बॉइलिंग ब्रीफली टू कुक फूड स्लाइटली ठीक है अ मेथड ऑफ बॉइलिंग ब्रीफली टू कुक फूड स्लाइटली को क्या कहते हैं पारबॉइल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है द ग्रुप स्पेशली इन द आर्ट रिगार्डेड एज बींग द मोस्ट एक्सपेरिमेंटल द ग्रुप स्पेशली इन द आर्ट रिगार्डेड एज बींग द मोस्ट एक्सपेरिमेंटल और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इवेंट ग्रेड इसका राइट right आंसर हो जाएगा वन हु हेल्प्स पीपुल बाई गिविंग द मनी और अदर एड और इसका राइट right आंसर क्या हो जाएगा बेनिफैक्टर ठीक है अ पॉलिसी डेट शर्ग्रेट पीपुल ऑन द बेसिस ऑफ रेस कास्टिज्म क्या हो जाएगा ए पार थेड इसका राइट right आंसर हो जाएगा ठीक है समथिंग विच लास्ट फॉर एवर समथिंग विच लास्ट फॉर एवर को क्या बोलते हैं हम इटरनल जो है इसका राइट right आंसर हो जाएगा इटर द शेड्यूल ऑफ ट्रैवल द शेड्यूल ऑफ ट्रैवल को हम क्या कहते हैं द शेड्यूल ऑफ ट्रैवल को हम कहते हैं इटिनियरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोयम इन शॉर्ट स्ट्रेंजर नरेटिंग ऑफ पॉपुलर स्टोरी बैलेड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है बैलेड डिजाइन मेड बाय पुटिंग टुगेदर कलर्ड पीस ऑफ ग्लास और स्टोन्स और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 599 का मोशेक जो है इसका राइट right आंसर हो जाएगा ठीक है मोशेक नेक्स्ट हो जाएगा आपका फियर ऑफ क्लोज्ड या डार्क प्लेसेस ठीक है जो इस वक्त हम लोगों का सिचुएशन है क्लस्ट्रोफोबिया इसका राइट right आंसर हो जाएगा क्लस्ट्रोफोबिया लेकिन हम लोग फोबिया का शिकार नहीं है बस हम लोग उस स्थिति में हैं तो क्लस्ट्रोफोबिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो इस तरीके से सेट टेन खत्म हो गया है ठीक है सेट टेन खत्म हो गया सेट अलेवन जो है फिर कल के क्लास में हम लोग करते हैं ठीक है फ्रेंड्स टेस्ट कैसा था कॉमेंट करके बताइएगा कितना कितना किसका क्या स्कोर है ठीक है, है क्योंकि अब जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो नए क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट है और यही सब क्वेश्चंस को आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है ताकि यही सब क्वेश्चन रिपीट भी होने वाले हैं ठीक है फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ऑल द बेस्ट